प्रिय बच्चों नमस्कार, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। वेलकम इन एमएम ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टुडे वी रीड द बुक ऑफ मैथ्स एक्सरसाइज 2.7। बेटा हमने एक्सरसाइज 2.6 तक कंप्लीट किया है। चैप्टर नेम्स था हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा, फ्रैक्शन के टाइप्स को जाना। उसके बावजूद हमारा मतलब 2.5 से डेसिमल्स का स्टार्ट हुआ। डेसिमल्स में हमने बेटा कि डेसिमल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर पढ़ाना कि मल्टीप्लीकेशन करनी है। एक डेसिमल नंबर की एक होल नंबर के साथ की थी हमने, और सेकंड में एक मल्टीप्लीकेशन की थी डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर के साथ की। आज उसी का थोड़ा सा इनवर्स है बेटा। हमने चैप्टर फर्स्ट में भी किया था, एक्सरसाइज 1.3 हमारी मल्टीप्लीकेशन की थी और एक्सरसाइज 1.4 डिवीजन की थी। तो हमने अक्सर चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन इनवर्स होता है किसका, डिवीजन का होता है ना बेटा। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स हो जाता है डिवीजन का, और डिवीजन इनवर्स हो जाता है मल्टीप्लीकेशन का जब हम शॉर्ट करते हैं या डेसिमल में शो करते हैं ऐसे। तो हमारा आज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 लास्ट एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर की। फिर हम कल करेंगे थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज के थ्रू जरूर बताएं। अपने टॉपिक नेम एक्सरसाइज 2.7 में डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर कि बेटा हमें डिवीजन करना किसका, डेसिमल नंबर का किसके साथ, बाय होल नंबर के साथ। होल नंबर का आपको पता है स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या सारे अपने होल नंबर है। डिवीजन करना है एक डेसिमल नंबर का बाय होल नंबर के साथ, और सेकंड पार्ट इसी के अंदर इंक्लूड है बेटा, इसी में है डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर कि डेसिमल नंबर की डेसिमल नंबर के साथ कैसे डिवाइड करें, यह भी हमें शो करना है। ठीक है ना बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। हमारा सब नंबर आपको पता चला ना एक्सरसाइज 2.7 में क्या है, डिवीजन करना है एक डेसिमल नंबर के साथ, और एक डिवीजन करना है डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। देखो बेटा फर्स्ट सम हमारा एक्सरसाइज 2.7 का 0.4 डिवाइड 2, 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। हमने डेसिमल चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डेसिमल को रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि ना इसने बोला है कि आंसर देना हो किसके अंदर देना है, डेसिमल के अंदर आंसर देना है। ठीक है ना, तो हम पहले इसको रिमूव करेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो कितनी जीरो आएगी 1, रिमूव होगी ना अपनी डेसिमल। ये बेटा ये जैसे कि ये डिवाइड है, इसका इनवर्स करना हमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड का जो इनवर्स होएगा वो क्या आएगा, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, इनवर्स बोल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई हो गया। तो मतलब यही इनवर्स हुआ तो डिजिट भी तो इनवर्स होएगी ना। ये 2 अब डिवाइड में है तो किस में चला गया, मल्टीप्लीकेशन में, हो गया ना इनवर्स। आपको पता चला ना कैसे कि साइन का भी इनवर्स हुआ, डिजिट का भी इनवर्स हुआ। उसके बावजूद बेटा देखो हमें क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है ना हमें मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा जो हमें 100, 10 यानी कि 10 या 100 है ना उसको नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना, क्योंकि हमें नंबर को डेसिमल बनाने में हेल्प करती है ये डिजिट। हमें क्या करती है, जो नंबर्स होता है उसको डेसिमल में शो करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है। यानी कि हम इसको 10 को तो बिल्कुल छेड़ना भी नहीं। तो यानी कि 4/10 मल्टीप्लीकेशन 1/2 है, हम इसका ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि क्या बना बेटा 2/10। अब इसको किस में, डेसिमल में इजी से हो जाएंगे ना, यानी कि 1 0 है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएगी, 1 ही आएगी ना, यानी कि आंसर क्या हुआ 0.2 आंसर।
आपको पता चला ना बेटा, क्या नहीं मतलब आपको किसको नहीं देखना, किसको एक साथ मतलब कुछ नहीं करना, 10 या 100 के साथ। जब बाय में 10 या 100 है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि हमें जो आंसर होता है वो डेसिमल के अंदर देना है। एनसीईआरटी वाले ने बोल रखा कि आंसर किस में शो करें, डेसिमल में, पहले से डेसिमल है और फिर इसको आंसरों को भी किस में शो करना है, डेसिमल में। इस तरह से आप इजी वे से कर सकते हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है एज ए फ्रैक्शन के। इसके बाद बेटा देखो ये है, 4.2 डिवाइड करना 10 से। पहले आपको 10 मिला है, बात वही रहेगी सेम। पहले हम इसकी डेसिमल को रिमूव कर देंगे, कर दिया, जो मतलब डिवाइड है उसका इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। 10 डिवाइड में है किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 40 1 जा 40 बाय 10 10 की 100 के साथ। अब हम इसको आंसर किस में निकालना, डेसिमल में, कि कितनी जीरो है, 2 है ना, तो यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएगी, 2। आंसर क्या हुआ, 0.4 है। बिल्कुल सेम है ना, कोई भी डिफिकल्ट सम नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी है। आप इस तरह से कर सकते हो। एक सम और है कि बेटा आपको मतलब कि डेसिमल हमने पढ़ा ना अभी तक, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करें, हम उसके बारे में जानेंगे। देखो बेटा, जैसे कि 3.25 डिवाइड 0.5 है, ये भी हमारा एक डेसिमल नंबर, ये भी हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करें। देखो वो हमारे पहले एक डेसिमल था, दूसरा होल नंबर था। तो जैसे हमें इसको 3.25 है, हम पहले दोनों के क्या करेंगे बेटा, डेसिमल रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कैसे करेंगे, देखो डिजिट डेसिमल के बाद कितने नंबर, 1 2, यानी कि कितनी जीरो आएगी, 2। इनवर्स इनवर्स ना करो भी, डिवाइड सेम, इसका भी तो करना पड़ेगा, 0.5 है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो कितनी जीरो आएगी, 1। इतना समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा हमारा, ये तो बिल्कुल सेम रखना है। अब क्या करना है, इसके इनवर्स करना है, डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ये अपना क्या है, 10 5 बाय 10, क्या जाएगा, 10 बाय 5। मैंने तक बोला कि 100,000 को नहीं छेड़ना, ये नहीं करना, तो एक बार आप बेटा ये भी कर सकते हो। जैसे कि इसको इसको शॉर्ट कर लो, कर दोगे ना, 5 6 जा 30 5 5 जा 25, क्या बनी, 65 बाय 100 मल्टीप्लीकेशन 10 बाय 1। तो 65 की 10 के साथ करेंगे, 650 बाय 100। 2 डिजिट के बाद क्या आएगी, डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगी बेटा, तो यानी कि 650 क्या हुआ हमारा आंसर। डेसिमल को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, आप मेरे ख्याल से कर दोगे जी, वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम एज ए। क्या स्टेप है, पहले डेसिमल को रिमूव करो, फिर जो मतलब कि साइन साइन है उसका इनवर्स कर दो, फिर डिजिट का इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद हमारा शल सम शोल हो जाएगा। एक और है कि बेटा, जैसे कि बोला है व्हीकल ऑफ ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो कि बेटा हमने इसने बोला था कि एक कोई वाहन है वो 43.2 किलोमीटर जाता है कितने लीटर पेट्रोल में, 2.4 लीटर में, यानी कि वो ज्यादा से। उसके बाद इसने बोला कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाएगा, क्या बोला इसने, 1 लीटर में। बेटा हम प्राइमरी क्लासेस में भी मतलब अपर क्लासेस में, 6th क्लास में भी हमने पढ़ा है, हम पढ़ भी रहे हैं, जब हम कम से ज्यादा की जैसे मतलब मैंने बोला था कि 1 किलो ग्रेप्स 20 रुपए के हैं, तो 5 किलो ग्रेप्स कितने होंगे, कम से ज्यादा की साइड के थे तो 20 50 100 रुपए के, ज्यादा हुए तो
कम से ज्यादा जाएंगे तो क्या आएगा पानी, मल्टीप्लीकेशन, इसका इन्वर्स कर देंगे, ज्यादा से कम जाएंगे, ज्यादा से पहले ज्यादा जा रहे थे फिर कम की साइड जा रहा है तो क्या जाएगा डिवाइड। अब इसने बोला कि 2.4 पेट्रोल में इतनी दूर जा रही है तो 1 पेट्रोल में बताओ तो क्या हो जाएगा डिजिट का डिवीजन ना, क्यों जाएगा, क्योंकि ज्यादा जा रहा था पहले वो कम जा रहा है, ज्यादा से कम की साइड, तो लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड। सम नंबर है बेटा अपना ये 6, डिस्टेंस कवर्ड 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 2.4 लीटर में वो कितनी दूर जा रहा है, 43.2 किलोमीटर गया ना बेटा। उसके बाद उसने बोला है कि डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर जो मतलब पेट्रोल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर 1 लीटर पेट्रोल शो करना है ना, तुम कैसे करेंगे, जैसे इसने बोला कि 43.2 है, कितना जा रहा है, क्या डिवाइड करेंगे कितने में, 2.4 में, इतनी किलोमीटर इतना पेट्रोल ले रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले डेसिमल रिमूव, 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10, उसके बाद जो इसमें भी है 2.4 में हो गया ना। अब इसका क्या कर देंगे इनवर्स, अब इसको हम शॉर्ट वे से करके इसका आंसर निकाल देंगे, पता चला ना, इसको कैसे भी करो बेटा शॉर्ट करो, इनको तो छेड़ना नहीं, क्यों नहीं छेड़ना, क्योंकि हमें आंसर डेसिमल्स में। चलो अब इसको, इसने तो सीधा किलोमीटर पूछा है, हम इस क्वेश्चन एक काट देंगे, उसके बाद यदि 2 से डिवाइड होएगा 12, 2 से होएगा 216, उसके बाद जो 2 पे 6, उसके बाद जो ये भी 2 पे हो रहा है, 2 इंजे 2 0, 12 जा 16, ये 6 पे हो रहा है, 6 बन जा 6, इस तरह से शॉर्ट करके बेटा मैं 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है ना। अपने एक्सरसाइज 2.7 राइट डाउन इन द नोटबुक्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।